हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल नोटबुक। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग सीखेंगे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में हम लोग कितना ब्रिक कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग सिविल इंजीनियर नहीं भी है तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि एक ट्रॉली में आप कितना ब्रिक कैरी कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में वीडियो को जरूर एक लाइक एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। सो फ्रेंड्स, ये है देखिए आपका ट्रैक्टर और दोस्तों ये है आपका ट्रॉली। ओके अब फ्रेंड्स, पहले हम लोग ट्रॉली की वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपका ट्रॉली की लेंथ, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर। दोस्तों, ये है आपका ट्रॉली की विड्थ, इसको हम लोग मान लेते हैं 1.5 मीटर। और दोस्तों, ये है आपका ट्रॉली की हाइट, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर। फ्रेंड्स, किसी किसी केस में आप लोग देखे होंगे ब्रिक्स हम लोग ट्रॉली की हाइट से ज़्यादा भर देते हैं, तो उस केस में टोटल जो हाइट है इसको लेना है। ओके तो इस केस में हम लोग इस ट्रॉली की हाइट को ले रहे हैं। ओके तो जो है आपका 1 मीटर। अब फ्रेंड्स, ट्रॉली की वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। सो फ्रेंड्स, लेंथ हम लोगों ने लिए हैं 3 मीटर, विथ हम लोगों ने लिए हैं 1.5 मीटर एंड हाइट हम लोगों ने लिए हैं 1 मीटर। सो फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ट्रॉली की वॉल्यूम आ जाएगा 4.5 मीटर क्यूब। ओके अब फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक ब्रिक की वॉल्यूम। ओके सो फ्रेंड्स, ये है आपका ब्रिक। अब दोस्तों, डिफरेंट प्लेसेस में ब्रिक की डायमेंशन चेंज हो सकता है, तो इस केस में हम लोग ले रहे हैं ब्रिक की लेंथ 190 मिलीमीटर, ब्रिक की विथ 90 मिलीमीटर एंड ब्रिक की हाइट है आपका 90 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0.19 मीटर, विड्थ आपका हो जाएगा 0.09 मीटर, मतलब हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, और ब्रिक की हाइट आपका हो जाएगा 0.09 मीटर। ओके तो हम लोग मीटर में डायमेंशन को कन्वर्ट कर लिए। अब दोस्तों, ब्रिक की वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो फ्रेंड्स, ब्रिक की लेंथ है देखिए 0.19 मीटर, विड्थ है 0.09 मीटर एंड हाइट है 0.09 मीटर। सो फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.001539 मीटर क्यूब। ओके सो ये है सिंगल ब्रिक की वॉल्यूम। अब दोस्तों, हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रॉली में कितना ब्रिक कैरी कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ओके सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली हम लोगों को कितना मिला है 4.5 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हम लोगों को मिला है 0.001539 मीटर क्यूब। ओके सो फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका आएगा 2923.97, तो इसको हम लोग अप्रोक्स ले रहे हैं 2924 नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो फ्रेंड्स, इतना ब्रिक्स हम लोग इस ट्रॉली में कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ट्रॉली की डायमेंशन चेंज हो जाता है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। अगर ब्रिक्स की डायमेंशन चेंज हो रहा है और ट्रॉली की डायमेंशन फिक्स्ड है तो उस केस में भी आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रॉली की लेंथ हम लोग लिए हैं 3 मीटर, ट्रॉली की विड्थ है 1.5 मीटर, ट्रॉली की हाइट हम लोग लिए हैं 1 मीटर, तो इससे हम लोग ट्रॉली की वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक ब्रिक की हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके सो ब्रिक की लेंथ हम लोग लिए हैं 190 मिलीमीटर,
ब्रिक की विड्थ है 90 मिलीमीटर एंड ब्रिक की हाइट है 90 मिलीमीटर। अब दोस्तों इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इतना आपका वॉल्यूम निकल जाएगा एक ब्रिक का। अब दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए ट्रॉली की टोटल वॉल्यूम से हम लोग एक ब्रिक की वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो वहां से हम लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो फ्रेंड्स इस लेसन में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।